मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 22वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ें। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को बेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हर व्यक्ति में खूबियां डाली हैं और हरेक को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग परिस्थिति में रखा है ताकि हम सबका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। कईयों के पास धन बहुतायत में है, कईयों के पास कुछ भी नहीं है, कई गरीब हैं, जीने की आवश्यक वस्तुएं भी नहीं है, लेकिन आप इसका दोष परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। कारण, मनुष्य के पाप के स्वभाव के कारण, उसके बलवा करने के प्रवृत्ति के कारण आज मनुष्य इस हाल में पहुंच गया है। मनुष्य अदन बगीचा से जब निकला, उसने यही सोचा, मैं अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान पर अपना जीवन बिता सकूंगा, लेकिन कहां पहुंच गया। पाप हर जगह बढ़ रही है और इंसान दूसरे को दबाकर, बर्बाद कर अपना लाभ निकालने का प्रयास करता है। अदन बगीचा में जो माहौल था और आज इस पृथ्वी के माहौल में कितना अंतर है। एक समय अदन बगीचा में परमेश्वर की शांति सब पर राज्य करती थी और आज इस पृथ्वी में हम देख सकते हैं पाप का राज्य है और हर कोई अपनी मोह और इच्छाओं के लिए जी रहा है। मनुष्य अपनी जिम्मेवारियों को भूलकर अपने नैतिक कर्तव्यों को भी भूल जाता है, विवेक की आवाज को दबाता है और अपनी इच्छाओं के लिए जीता है। जिसके पास ज्यादा धन है वो उससे तृप्त नहीं है, वरन और भी गरीबों, कंगालों को दबाकर, दबोचकर उनका भी छीनने का प्रयास करता है, जबकि उन्हें गरीबों को मदद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दिया है। लेकिन मनुष्य के लालच की प्रवृत्ति इन धनवानों की आंखों को अंधी कर देती है और वो अपने धन से तृप्त नहीं, वो उसे और बढ़ाना चाहते हैं और गरीबों को सताते हैं। गरीबों की आवाज सुनने के लिए उनके कान बंद हैं। आज पाप में मनुष्य के प्रवृत्ति के विषय में बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। कोविड के महामारी के समय में उदाहरण के तौर पर आप हम जरा देखें, जब लोग परेशान थे और मेडिकल साइंस की ओर थोड़ी तसल्ली के लिए देखते थे, तब हम देखते कितनों ने उस समय वो परिस्थिति का नजायज फायदा उठाकर धंधा किया। लालची लोगों ने परिस्थिति का फायदा उठाया और धन इकट्ठा करने का प्रयास किया। वो ये बात को भूल गए कि एक दिन अपने सृष्टिकर्ता के सामने उन्हें अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। जबकि कईयों ने अपना जान दूसरों की सेवा करते करते खो दिया, कईयों ने परिस्थिति का लाभ उठाकर धन इकट्ठा करने का प्रयास किया। परमेश्वर मनुष्य के हर प्रवृत्ति को ध्यान देता है और एक दिन अपने न्याय के दिन हरेक का न्याय करेगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो धनी को भेंट देते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, और वो क्यों देते हैं? परमेश्वर ऐसे स्वभाव से बहुत नफरत करता है क्योंकि धनवान के पास पहले ही बहुत कुछ है, फिर भी ये दान क्यों देते हैं, भेंट क्यों देते हैं? ताकि कुछ प्रेम कमा सकें, अपना फायदा निकाल सकें, इसी मतलब से वो भेंट दिया जाता है। एक दिन इंसान के इस मौज और ऐश का अंत होगा। धनवान और गरीब दोनों को एक जैसे जाना है, कोई संसार से कुछ लेकर नहीं जा पाएगा। हम सब वो धनवान आदमी और भीख मांगते हुए लाजर को हम देख सकते हैं जो उस धनवान के घर के बाहर बैठा करता था। वो धनवान के पास कितना अवसर था लाजर को मदद करने का, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की।
वो अपने ऐश में मजा करता रहा, लेकिन हम देखते कैसे वो तड़पने वाली जगह में पहुंचकर पानी के लिए तड़प रहा है। वो मनुष्य के सबसे निचले हालत में पहुंच गया। परमेश्वर हमें मौका देता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। सो परमेश्वर के संतान होने के नाते आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को समझते हुए हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण होने पाए। ये जीवन थोड़ी देर का है। हमारे इस जीवन का, हम जीवन इस संसार में कैसे बिताते हैं वो प्रकट करेगा अनंत काल कैसे होगा। आइए परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर के मार्गों में चले, ये लालची स्वभाव से बचकर रहें, दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। हम चाहे कितना भी धन गलत तरीके से कमाएं, उससे अच्छा है सही तरीके से मेहनत कर कर एक रोटी कमाना, और परमेश्वर के नजर में वो बहुमूल्य है। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर होगी इस संसार में अकेले नहीं, आने वाले अनंत काल में भी। सो आइए हम अपने ऊपर परमेश्वर का दंड इकट्ठा ना करें, ताकि हम अनंत काल में कहीं कंगाल बने ना रहे, वरन विश्वास योग्य दास के तौर पर, रखवाले के तौर पर हम वफादारी से अपना काम निभाएं। स्वर्ग हमें देख रहा है, और अगर हम विश्वास योग्य हैं स्वर्ग हमें और जिम्मेवारियां भी सौंपेगा। हम स्वर्ग के उस सिद्धांतों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, उनकी समझ हमारे जीवन को देकर और खुलने पाए। प्रभु हम एक एक को मदद करें ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु बेशक पाप बढ़ रहा है तो भी आपने हमें पाप से छुड़ाया, हमारा जीवन दूसरों के सामने नमूना का कारण होने पाए, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हमें ज्ञान दे पिता, ताकि हम अपने जिम्मेवारियों को समझ सकें, जो आशीष आपने दी है वो दूसरों से हम बांट सकें, दूसरे हमारे जीवन में आपकी महिमा को देख सके। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। माराना था।